कलेक्ट्रेट में पेट्रोल लेकर पहुंचा युवक, कहा शिक्षक और प्रशासन की असुनवाई से परेशान हो गया, अब यहां आत्महत्या करूंगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में उस समय खलबली मच गई जब एक युवक असुनवाई से परेशान होकर पेट्रोल लेकर वहां पहुंच गया। यहां अधिकारियों से उसने इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद उसे अगली सुनवाई तक का समय प्रशासन को दिया। युवक ने कहा कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा, जिसका दोषी प्रशासन होगा। अपनी फरियाद सुनाते हुए युवक कल्याण प्रसाद मोदी ग्राम निजामपुर मगरौनी ने कहा कि मेरा मकान अति बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको वो बना रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले दबंग युवक भवानी शंकर जोशी निवासी ग्राम निजामपुर मगरौनी, जो पेशे से शिक्षक है, वो मनोज पुत्र भवानी जोशी आदि भवन का निर्माण नहीं होने दे रहे थे। आए दिन जानलेवा हमले और मारपीट करते हैं। शिक्षक ने अपने मकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जिसका फोकस मेरे आंगन में कर दिया है। इसके कारण बहु बेटियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, शिक्षक आए दिन पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत भी दर्ज करवाता है। मामले को लेकर मैंने सीएमओ मगरौनी, तहसीलदार नरवर और जनसुनवाई में कई आवेदन दिए, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। मेरा क्षतिग्रस्त मकान खुला पड़ा है, जिसको दबंग के चलते बनवा नहीं पा रहा हूँ। सुनवाई होने के कारण मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। शिक्षक के अधिकारियों से कहा कि अगर इस बार उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा, उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा कल्लू साहू है, मैं मगरौनी से आया हूँ और दो तीन बार जनसुनवाई आवेदन दे चुका हूँ, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरी। आज मैं पूरी अपनी इच्छा मृत्यु करने के लिए आया हूँ इस कलेक्ट्रेट कार्यालय शिवपुरी में, क्योंकि मेरे बरसात से एक मकान ढह गया था, जैसे वाणी शंकर जोशी बनाने नहीं दे रहा, उसकी शिकायत दो बार जनसुनवाई आवेदन शिवपुरी में दे चुका हूँ, तहसीलदार में प्रकरण दर्ज करा चुका हूँ, कमिश्नर ग्वालियर को आवेदन दे चुका हूँ। आज दो महीने से लगातार भटक रहा हूँ और खुले में बच्चे सो रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। आज तक कोई अधिकारी मौका मना नहीं कर रहा और मैं परेशान हो रहा हूँ। आज पूरी तैयारी से मैं शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय इच्छा मृत्यु करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने कई बार आवेदन दे चुके, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, ना कोई मुआयना हो रहा और ना कोई दमंग है, वो सब राजनीतिक है। 25 वर्षों से वहाँ मगरौनी स्कूल में पदस्थ है और ना कोई तबादला किया रहा, ना कोई जांच की जा रही, और पूरे परिवार दुखी है। और जनवरी माह मेरी बच्ची की शादी भी करना है। आज भी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? आज सुनता तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु के लिए पूरी तैयारी से आया हूँ। क्यों क्या मैं इच्छा मृत्यु करूँगा? प्रशासन नहीं सुन रहा, ये कैसी जनसुनवाई कलेक्टर शिवपुरी है? मैं इतने दिनों से लगातार आ रहा हूँ, किराया खर्च करके मगरौनी शिवपुरी आ रहा हूँ, मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आकर मौके पर अधिकारी क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, या तो मुझे इच्छी मृत्यु की दिन हो गए आपको? मुझे कम से 2 महीने हो गए आवेदन, दो बार जनसुनवाई आवेदन शिवपुरी लगा चुका, आज तीसरी बार आया हूँ लगाने आवेदन। है जी, आपके परिवार में कितने? परिवार में सर 5 सदस्य हैं मेरे, दो लड़के एक लड़की खुले में सो रहे हैं। मेरे कई बार पेपर में भी निकल गई, न्यूज चैनल में भी निकल गई, आज तक कोई प्रशासन नहीं जागा, ना कोई आ रहा देखने, ना कोई निपटारा कर रहा। सीएमओ को आवेदन मगरौनी दे चुका हूँ, आज अंतिम आवेदन आऊँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब प्रशासन नहीं सुन रहा और कोई नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसा कैसे लग रहा है कि आप कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा साथी, तो इसके अलावा क्या इच्छा मृत्यु करूँगा? पूरे परिवार का भरण पोषण प्रशासन और जिला प्रशासन करेगी, इसका जवाबदार मैं नहीं हूँ। क्यों? मैं तो अंतिम इच्छा मृत्यु के लिए आया हूँ यहाँ कलेक्टर कार्यालय पे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, फिर मेरा कौन है यहाँ?